हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों का इस साप्ताहिक भागवत कथा में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पिछले कई सत्रों से हम सब यहाँ पे श्री रामचंद्र के दिव्य चरित्र का श्रवण करते आ रहे हैं, लेकिन अब 24 तारीख से कार्तिक मास शुरू हो चुका है, अतः अब हम कृष्ण कथा का श्रवण करेंगे। बड़ा पावन महीना भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न कराने वाली कार्तिक महीना चल रही है। यह विशेष तक भगवान कृष्ण को अति प्रिय है और भक्त वात्सल्य है। इस मास में कोई भी छोटा से छोटा कार्य हजार गुना ज्यादा फल देता है। कार्तिक भगवान कृष्ण को दीप दिखाने का उत्सव है और माता यशोदा द्वारा भगवान को रस्सियों में बांधा जाना, उखल में बांधे जाने की लीला का गान करने का, गुणगान करने का, श्रवण करने का मास है। इस कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी माह में भगवान के उदर पर दाम बांधने का लीला हुआ था, भगवान के पेट पर रस्सी बांधने की लीला हुई थी। और भगवान की अधिकतर लीलाएं इसी महीने में है, इसलिए इसे दामोदर मास भी कहा जाता है। और कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधिका रानी है, इसलिए यह मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस मास में जो भगवान को दिया अर्पित करता है और दामोदर अष्टकम का पाठ करता है, भगवान उसे प्राप्त होते हैं। इस मास में मात्र भगवान को दिया अर्पित करके और दामोदर अष्टकम का पाठ कर गाकर कोई भी व्यक्ति आसानी से अथा शीघ्र भगवान की प्राप्ति कर सकता है। तो ऐसे परम पवित्र मास में आज से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला यहाँ से प्रारंभ हो रही है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। वैसे तो ये 10वें स्कंद परमहंसों की लीला है भक्तों, ये बड़े बड़े ज्ञानी मुनियों और विद्वानों की लीला है। और ना तो हमारा हृदय पवित्र है, ना तो हम भागवत को ठीक से जानते हैं, ना तो हम कोई ज्ञानी है, ना कोई ऋषि है, साधु है, संत है। हम प्रयास कर रहे हैं भगवान को, भगवान की कथाओं का साधन साधने का, एक साधक बनने का, भगवान के प्रति अपने हृदय में प्रेम उत्पन्न करने का, खुद को साध रहे हैं। जो कुछ भी भागवत के माध्यम से सुना है, जो कुछ भी अपने गुरुदेव हिजग्रेश श्री लाल गोविंद प्रभु जी के मुखारविंद से सुना है और जो अन्य संतों के मुख से सुना है, जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़े हैं, उसे सुनाने का प्रयास करते हैं, उसे साधने का प्रयास करते हैं। तो आइए आज से हम श्री कृष्ण की बाल लीला प्रारंभ करें। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवान के 10वें भागवत जी के 10वें स्कंद को भगवान का मुख कहते हैं। श्रीमद् भागवत का प्रत्येक स्कंद भगवान का अंग है। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद भगवान का प्रफुल्लित मुखारविंद है। और इस भागवत के 10वां स्कंद का श्रवण करके निश्चित भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न किया जा सकता है। पद्म पुराण अंतर्गत श्रीमद् भागवत जी की महिमा का हम श्रवण किए थे, गोकर्ण और धुंधुकारी की लीला कथा का श्रवण किए थे। हम सुनते हैं कि गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण को उपदेश देते हैं कि हे पिताजी, देह मांस रुद्रम मति तेजत्वम, ये कप पीत वायु ये मांस और मज्जा से बने हुए, इस शरीर से आप आसक्ति छोड़ दीजिए, आप शरीर के स्तर से ऊपर उठ जाइए और उतना ही नहीं अपने पुत्र अपने पत्नी की आसक्ति को छोड़ दीजिए। पिताजी मैं कहता हूं कि आप वन को चले जाइए और वन में जाकर श्रीमद् भागवतम का पाठ कीजिए और भगवान को प्राप्त कीजिए।
गोकर्ण जी का उपदेश सुनकर आत्मदेव ब्राह्मण जंगल को चले गए और ऐसा वर्णन है भक्तों, वेदव्यास जी लिखते हैं श्री कृष्ण नाम दशमश्य पाठा। आत्मदेव ब्राह्मण श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद के पाठ करके श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद की लीला का श्रवण करके पढ़कर अपने देह को त्यागे और भगवान को प्राप्त हो गए। तो ऐसी परम पवित्र लीला का हम श्रवण करने जा रहे हैं। भगवान को यह दशम स्कंद जो कि कृष्ण की लीला का श्रवण है, जिसमें कृष्ण की लीला का वर्णन है, ये भगवान को भी प्रिय है भक्तों। वैसे महाराज परीक्षित जिसके जीवन में मात्र 7 दिन बचे थे, भगवान की कथा का श्रवण करते करते लगभग 3 दिन और 3 रात बीत गई। लगातार कथा का श्रवण कर रहे थे, लगभग 4th दिन सुखदेव गोस्वामी गंगा की प्रवाह के समान धारावती कथा सुनते जा रहे हैं। उस चलती हुई कथा को महाराज परिचित रोक रहे हैं। महाराज परिचित सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा करते हैं, क्या श्री राजोवाच कथितो वंश विस्तार भवता सोम शुरुयो राज्यं च उभय वंश नाम चरितं परम अद्भुतम। धारावाहिक कथा को रोक कर महाराज परीक्षित प्रश्न पूछते हैं कि हे परम विरक्त चूड़ामणि श्री सुखदेव जी गोस्वामी महाराज, प्रभु आपने सोम वंश और सूर्य वंश में जन्म लेने वाले अनेकों राजाओं महाराजाओं की अद्भुत अद्भुत चरित्रों का वर्णन किया। प्रभु भाव ये है अब कि अब मैं इन राजा और महाराजाओं की कथा सुनना नहीं चाहता, क्योंकि प्रभु मेरे जीवन में अब बहुत कम दिन शेष बचे हैं। अतः उन दिनों में मैं केवल कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूं। यदुश्च धर्म शिलश्च नितराम मुनिशतम तत्र अंशेन अवतीर्णश्च विष्णु वीर्याणि सचना। महात्मा धर्मात्मा यदु के वंश में जन्म लेने वाले भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाइए। भक्तों, यदु महाराज धर्मात्मा थे, धर्म के शील थे, धर्म के व्यक्ता थे, धर्म के पालन करने वाले थे। अतः हे मुनियों में श्रेष्ठ, हे मुनि सत्तम सुखदेव जी गोस्वामी महाराज, अपने यंत्र से बलराम जी के साथ अवतीर्ण होने वाले भगवान विष्णु की कथा सुनाइए। विष्णु का अर्थ है जो कृष्ण सर्वव्यापक है, जो सब जगह पर है, आप उसकी कथा सुनाइए। इतना ही नहीं, कहते हैं यवतीर्य यदो वंशे भगवान भूत भावन कीर्तवान आदि विश्व आत्मतनी नगर विश्वांत। जो भगवान समस्त जीवों का पालन करते हैं, जो कृष्ण का भजन करते हैं उनका भी, और जो उनका भजन नहीं करते हैं उनका भी वो पालन करते हैं, ऐसे दयामय ऐसे भूत भावन भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाइए। कृष्ण कथा सबको पसंद है भक्तों, क्योंकि ये कृष्ण कथा हृदय के मेल को साफ करने वाली, क्योंकि ये कृष्ण कथा अत्यंत आनंददायक है भक्तों। और ये कृष्ण कथा इस संसार में जो सबसे बड़ा रोग है, इस संसार में जो सबसे बड़ा रोग लगा हुआ है, भवरोग से मुक्त कराने वाली है। भवरोग से मुक्त कराने वाली संजीवनी बूटी के समान है, औषधि के समान है। श्रीपाद शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जठनी जननी जठरेश। हम सब इस संसार में बंधे हुए हैं, 84 के चक्कर में फंसे हुए हैं। बार बार माँ के गर्भ में आना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये सबसे बड़ा रोग है। और इस भवरोग से मुक्त होना चाहते हैं तो कृष्ण कथा सुननी चाहिए। तो मन में मानो प्रश्न हो सकता है कि एक छोटी सी बीमारी की दवाई कितनी कड़वी होती है, तो भवरोग से मुक्त होने वाली दवाई कितनी कड़वी होगी। तब सुखदेव जी गोस्वामी महाराज कहते हैं नहीं नहीं, ये कृष्ण कथा बहुत मीठी है, बहुत मधुर है, मनोभिरामक, मनों को प्रसन्न करने वाली है, मन को आनंद देने वाली है।
अतः इस संसार में ऐसा कौन सा जीव है जो कृष्ण की कथा नहीं सुनना चाहेगा। अतः हे सुखदेव जी को स्वामी महाराज कृष्ण कथा सुनाइए। तब मानो सुखदेव जी कहे कि परीक्षित क्या सुनना चाहते हो, क्योंकि कृष्ण की कथा तो बहुत सारी है, उनमें से विशेष क्या सुनना चाहते हो। परीक्षित जी कहते हैं, रोहिण्या तनया प्रोक्ता राम शंकर शनातया देवक्य गर्भ संबंध कुतो देयंतरं विना। महाराज सबसे पहले तो आप यह सुनाइए कि आपने ऐसा कहा कि बलराम का जन्म देवकी के गर्भ से भी हुआ और रोहिणी के भी गर्भ से हुआ। एक पुत्र दो माँ के गर्भ से कैसे जन्म ले सकता है, एक माँ के गर्भ में दो पुत्र रह सकते हैं लेकिन एक दो माँ के गर्भ में एक पुत्र, ये कैसा संभव है, कृपया करके आप बताइए। और यह भी बताइए कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा में जन्म लिए और जन्म लेते ही अपने माता पिता को छोड़कर व्रज में क्यों चले गए। कस्मात् मुकुंद भगवान पितु गृहात् व्रजं गतः। मानो सुखदेव जी कहे डर गए होंगे, कंस के डर से घर डर गए होंगे इसलिए भगवान भाग गए। सुखदेव जी को परीक्षित महाराज कहते हैं, नहीं वो डरने वालों में से नहीं है, मुकुंद है, मुक्ति दलाती की मुकुंद, संसार के जीवों को जो मुक्ति देते हैं ये वो भगवान है। कुछ और कारण है महाराज, विस्तार से बताइए। और कितने समय तक कृष्ण ब्रज में रहे, ब्रज में रहकर उन्होंने क्या क्या किया, मथुरा में रहकर उन्होंने क्या किया, द्वारका में रहकर उन्होंने क्या क्या किया, विस्तार से बताइए। और प्रभु एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि प्रभु इस संसार में कोई भी बच्चा अपने मामा से बहुत प्रेम करता है लेकिन कृष्ण ने उस मामा को ही मार डाला, जिससे प्रेम करना चाहिए कृष्ण ने उसी को मार डाला, क्यों मारा, कैसे मारा, ये सब विस्तार में बताइए। तब सुखदेव जी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भक्तों परिचित तुम कृष्ण कथा सुनना चाहते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम 3 दिन 3 रात से लगातार कथा का श्रवण कर रहे हो, 3 दिन 3 रात से ना तूने कुछ खाया है ना कुछ पिया है और ना आराम किया है ना ही निद्रा ली है, आपने 3 दिन 3 रात से कुछ भी नहीं किया है। परीक्षित ये काम करो, थोड़ा कुछ खा लो, थोड़ा कुछ पी लो, थोड़ा आराम कर लो, फिर हम कृष्ण कथा प्रारंभ करेंगे। तब महाराज परीक्षित बहुत सुंदर बात कहते हैं भक्तों कि महाराज मुझे किसी भी प्रकार की भूख प्यास नहीं है, महाराज मुझे किसी भी प्रकार की भूख प्यास बाधित नहीं कर रही है, महाराज मुझे किसी भी प्रकार की थकावट नहीं, आप चिंता मत करो, मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे प्यास नहीं लगी है, मैं कथा सुनना चाहता हूँ, महाराज आप कथा सुनाइए। तब सुखदेव जी गोस्वामी प्रश्न पूछे कि यहाँ तुम 3 दिन से लगातार कथा सुन रहे हो, 3 दिन 3 रात बीत गई और ना तुम्हें भूख लगी है और ना तुम्हें प्यास लगी है, और कुछ दिन पहले जब तुम मृगड़ा करने के लिए वन में गए थे वहाँ तुम्हें आधे दिन पानी नहीं मिला और तुम्हें इतनी प्यास लगी किसी ऋषि मुनि का अपराध कर दिया और आपको श्राप मिल गया, वहाँ पर तो आप आधे दिन प्यासे नहीं रह सके हैं, और यहाँ 3 दिन 3 रात हो गए फिर भी आपको प्यास नहीं लग रही है, आखिर बात क्या है। तब महाराज परीक्षित कहते हैं, पिबन्त्वं त्वत्मुखं अम्भोजच्युतं हरिकथामृतं। हे सुखदेव जी गोस्वामी आपके श्रीमुख से झरने की तरह झर झर गिरता हुआ कथा अमृत का पान कर रहा हूँ। बताओ जब किसी व्यक्ति को अमृत मिल रहा है तो वह व्यक्ति सादा पानी क्यों मांगेगा, आपके मुख से अमृत का पान कर रहा हूँ तो फिर सादा पानी क्या जरूरत है, अमृत पीने वाला व्यक्ति पानी क्यों मांगेगा, आप इतना सुंदर अमृत का जो पान करा रहे हो अतः मुझे पानी का प्यास नहीं, मुझे भूख नहीं, आप मुझे कथा सुनाइए, कृष्ण कथा सुनाइए, मैं कृष्ण की कथा का श्रवण करना चाहता हूं। तो इस प्रकार महाराज परिचित कृष्ण कथा सुनने की जिज्ञासा करते हैं, बहुत बड़ी जिज्ञासा है वो तो बहुत सुंदर जिज्ञासा है, और इस जिज्ञासा को सुनकर सुखदेव जी गोस्वामी महाराज प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर
सुखदेव जी गोस्वामी महाराज कृष्ण कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने 24 अवतार की कथा का प्रारंभ किया था, जिसमें हम लोग 18वें अवतार श्री राम के चरित्र का श्रवण कर रहे थे। तो 18वां अवतार का श्रवण सुना। अब वेद व्यास जी 19वें और 20वें अवतार के रूप में बलराम जी एवं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के अधिपति अवतारी साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं। कहते हैं, ये कोनीश विशीते वृष्णेषु प्राप्य जन्मनि श्याम कृष्णो इति भुव भगवान हर भरम। प्रसन्न होकर तब सुखदेव जी गोस्वामी महाराज कृष्ण कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। भूमि दृप्त नीप व्याज देथ अनिक्षत अयुते अक्रांत भूरि भारेण ब्रह्मांड शरणम एव। परिचित, ये द्वापर युग की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ में क्षत्रिय राजा महाराजा आशुरी वृत्ति को प्राप्त हुए। वैसे क्षत्रिय थे जो बुरी संगति के कारण असुर बन गए। भक्तों, जीवन का आधार संस्कार और संग है, और संग संस्कार से ऊपर है। कितना भी अच्छा संस्कार माता पिता दे, लेकिन बच्चे का यदि संग बिगड़ जाए तो बच्चा बिगड़ जाएगा। इसलिए सदैव अच्छी स्मृति करना चाहिए। भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि हे महाप्रभु, वैष्णवों का आचार्य कैसे होना चाहिए, वैष्णवों का आचरण कैसे होना चाहिए। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, असत्य संग त्याग यही वैष्णव आचार। बुरी संगति को जो त्यागते हैं उसे वैष्णव कहा जाता है। तो भक्तों, द्वापर युग में राजा महाराजा आशुरी वृत्ति को प्राप्त हुए। वे लगभग असुर जैसे बन गए। साधुओं की साधना बन कराई, ऋषि मुनियों की यज्ञ की यज्ञि बन करवा दी, भक्तों की भक्ति बन करा दी। जीव हिंसा करने लगे, बकरे को काटने लगे, गायों को मारने लगे, अनेकों प्रकार की जीव हिंसा करने लगी। ये पशुओं को मारना, काटना, विनाश करना, ये आशुरी वृत्ति है। यशुरों का कार्य है, मनुष्यों का नहीं। सारे राजा महाराजा तमोगुणी हो गए। उन राजाओं के पाखंड से इस पृथ्वी पर पाप होने लगा, और उस पाप से ये पृथ्वी भारक होने लगी, और इस पाप को देवी पृथ्वी सहन नहीं कर पाई। अतः देवी पृथ्वी इस पाप को दूर करने के लिए ब्रह्मणाम शरणम एव, ब्रह्मा जी की शरण में गई। लेकिन कैसे गई? गो बुद्ध्वा अश्रुमुखी खिन्न करदंती करुणम विभो। उस समय देवी पृथ्वी गाय का रूप लेकर गो बुद्ध्वा अश्रुमुखी, और उनकी आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। गाय का रूप इसलिए लिया भक्तों कि 84 लाख योनियों में गाय ही एक ऐसा पशु है जिसे देखकर हृदय में स्वाभाविक दया उत्पन्न हो जाती है। ब्रह्मा जी के पास पृथ्वी गई, ब्रह्मा जी को दया आए, इसलिए देवी पृथ्वी गाय का रूप लेकर गई, और पृथ्वी ब्रह्मलोक में गई, ब्रह्मा को अपना सब दुख सुनाई। दुख सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी पृथ्वी, तुम्हारे दुख को मैं दूर नहीं कर सकता, अतः मैं तुम्हें भगवान विष्णु के पास लेके जाता हूँ। उस समय ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बुलाया और शिव जी को भी स्पेशल फोन किया। भोलेनाथ, आपकी जरूरत पड़ेगी, आप आ जाओ, क्योंकि भगवान को प्रकट कराने के लिए कीर्तन करना होता है। बिना कीर्तन के भगवान प्रकट नहीं होते। अतः सभी को बुलाया, बहुत सुंदर कीर्तन हुई। क्षीर सागर तट पर पुरुषोक्त नाम की स्तुति हुई, बहुत सुंदर कीर्तन किया, नृत्य हुआ, और तत्पश्चात भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु प्रकट होकर उन्होंने बताया कि मैं जल्द ही अवतार लेने वाला हूँ। आगे की कथा आप सब श्रवण कर चुके हैं। कृष्ण कथा का श्रवण, कृष्ण जन्म की लीला का श्रवण हम लोग यहाँ पे दो दो बार किए हैं। सुनना है या फिर आगे बढ़ जाऊँ? कृष्ण जन्म की कथा हम यहाँ पे सुन चुके हैं, और फिर सुनना है आगे बढ़े? सुनना है? हाँ, आगे बढ़ा जाए। क्या करें? सुनना है, ठीक है। बहुत सुंदर स्तुति हुई, बहुत सुंदर भगवान की लीला का गान हुआ। सब लोग
भगवान की लीला का मतलब गान किए, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किए और भगवान उसमें वहां पे प्रकट हुए। कृष्ण लीला सुनेंगे, कृष्ण का जन्म सुनेंगे तो फिर आज कृष्ण जन्म में ही पूरी कथा पार हो जाएगी, ठीक है? ओके, चलिए कृष्ण कथा हम प्रारंभ करते हैं। तो बहुत सुंदर कीर्तन हुआ, सभी लोग शिव सागर के तट पर आए और बहुत सुंदर कीर्तन प्रारंभ किया। हरे कृष्णा हो कृष्णा कृष्णा हरे हरे, ओ हरे राम हरे राम हो राम राम हरे हरे, ओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा हो कृष्णा कृष्णा हरे हरे, ओ हरे राम हरे राम हो राम राम हरे हरे, ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा सभी देवी देवता ब्रह्मा जी समेत थे भगवान की आराधना करने लगे, कीर्तन करने लगे और अपनी कही हुई वचन को सत्य करने के लिए इस पृथ्वी पर कटती हुई गायों की रक्षा करने के लिए, ऋषि मुनियों के यज्ञ को पुनः प्रज्वलित करने के लिए, गायों और ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, अपने कही हुई वचन को सत्य करने के लिए भगवान विष्णु प्रकट हुए। और उस समय भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप यहाँ क्षीर सागर के तट पर जिस उद्देश्य आए हो वो मैं जानता हूँ, आप चिंता मत करो, कुछ समय के बाद मैं इस पृथ्वी पर अवतार धारण करूंगा और सीन सब राजा महाराजाओं का वध करूंगा और पृथ्वी का भार दूर करूंगा। आप सब अपने अपने घर जाओ और जाकर ब्रज में मथुरा में अपने अपने यंश से अवतार ले लो। सब लोग वापस चले गए, मैं शॉर्ट में आपको सुना रहा हूँ, कथा बहुत लंबी है। सब लोग वापस गए, आइए अब हम मथुरा चलते हैं। मथुरा में देवकी और वासुदेव का विवाह हो रहा था। देवकी और वासुदेव का विवाह होने के बाद विवाह विदाई का समय आया, सारे रथ खड़े हैं, वासुदेव जी अपने रथ पर सवार हैं, देवकी अपने रथ पर सवार हैं और उसी समय देवकी का एक कजिन ब्रदर था, चचेरा भाई कंस। कंस के हृदय में अपने बहन के प्रति बड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ और इतना प्रेम उत्पन्न हुआ कि वो उसके सारथी को हटाकर खुद सारथी बन गया। कंस स्वयं उस रथ को चलाने के लिए तैयार हो गया और जैसे ही कंस रथ चलाने के लिए तैयार हुआ, देवलोक में खलबली मच गई। सब सोचने लगे कि भगवान अपने सेवा करने वाले को एक बार मार सकते हैं, लेकिन भगवान के भक्त की सेवा करने वाले को भगवान नहीं मार सकते, क्या किया जाए? अतः देवताओं ने सहसा आकाशवाणी कर दी, अरे मूर्ख। कंस देखने लगा, मूर्ख मुझे कौन कहने वाला पैदा हो गया, क्योंकि ऐसा इसे कहने वाला था कोई इस धरती पर नहीं था। कंस चारों ओर देखने लगा, कौन कह रहा है, फिर का मूर्ख। तब पता चला अच्छा आकाशवाणी हो रहा है, तू जिसका रथ चलाने जा रहा है उसकी आठवीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अब देवताओं ने ये क्लियर नहीं किया कि आठवीं पुत्र या आठवीं कन्या, आठवीं संतान। अब देखिए आश्रों का प्रेम, अभी थोड़ी देर पहले इतने प्रेम विभूर थे कि उसके रथ को चला रहे थे, अभी रथ के रस्सी को छोड़ा और देवकी के बाल को पकड़ा और एक हाथ से तलवार, जैसे ही तलवार चलाने गए वसुदेव जी ने पकड़ लिया कि महाराज आपको किससे चिंता है, इसके पुत्रों से। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इसके पुत्र को आपके पास लाकर सौंप दूंगा। इस तरह से वसुदेव जी ने समझाया, पहला पुत्र हुआ कंस ने उसे शिला के साथ पटक के मार दिया, दूसरा पुत्र हुआ कंस ने उसे शिला के साथ पटक के मार दिया। इस कंस ने देवकी के छह छह पुत्रों को देवकी के सामने मार डाला। देवकी के हृदय का दुख बढ़ गया भक्तों,
ये दुख भगवान शंकर सन से नहीं देखा गया। शंकर सन माने साक्षात बलदेव जी। बलदेव जी देवकी के गर्भ में प्रकट हो गए। जैसे ही बलदेव जी आए, भगवान विष्णु ने योग माया को बुलाया और कहा, गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोपीर अलंकृतम। देवी तुम जाओ और मथुरा में देवकी के गर्भ में जो बलदेव जी आए हैं उस रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दो। पूछा था ना परिचित महाराज को प्रश्न कि एक दो माँ से एक पुत्र कैसे, तो भगवान कृष्ण ने आदेश दिया योग माया को कि आप जो देवकी के गर्भ में जो बालक पल रहा है उस रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दो। और हे देवी तुम ऐसा करो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि कलयुग में मेरे से भी ज़्यादा तुम्हारी पूजा होगी। अनेकों रूपों में काली दुर्गा चंडिका इस प्रकार से आशीर्वाद दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार से देवकी के गर्भ के बालक को रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया। अब देवकी का दुख और भी बढ़ गया। भक्तों देवकी रात दिन भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु कब आओगे कब आओगे, यखियां हरी दर्शन को प्यासी है, प्रभु ये अब आंख आपके दर्शन को प्यासी है। देवकी पूर्ण रूपेण समर्पित। और भक्तों भगवान का सिद्धांत है, जब कोई भगवान के ऊपर पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाता है तो भगवान उनकी पुकार अवश्य सुनकर तुरंत आ जाते हैं। भगवान कृष्ण आज अपने धाम से उतरकर सबसे पहले वसुदेव जी के हृदय में आए, वसुदेव जी के मन में आए, वसुदेव जी के मन से देवकी के मन में गए और देवकी के मन से भगवान श्री कृष्ण देवकी के हृदय गर्भ में आ गए। और जैसे ही देवकी के हृदय गर्भ में आए देवकी का तेज बढ़ गया। अखिल ब्रह्मांड नायक करोड़ों करोड़ों सूर्य से भी जो ज्यादा प्रकाशमान है, ऐसे भगवान जब देवकी के हृदय गर्भ में आए देवकी का तेज। कंस के कारागार का जो अंधकार था वो अंधकार उजाले में तब्दील हो गया। और कंस जब उस कारागार में आया देवकी को देखा तो समझ गया कि निश्चित मेरा काल इसके गर्भ में आ चुका है। कंस अब मुझे ये कभी भी मार सकता है। तो इस प्रकार कंस ने देखा, कंस समझ गया कि अब ये मुझे कभी भी मार सकता है। तो कंस अब ना तो ठीक से सो पाता है, ना खा पाता है, ना पी पाता है। और दूसरी ओर देवकी के गर्भ में भगवान विष्णु आए हैं। ये बात ब्रह्मा जी को पता चलते ही ब्रह्मा जी समस्त देवी देवताओं को लेकर कंस के कारागार में आए और बहुत सुंदर स्तुति की। स्तुति कर ही नाग मुनि देवा, स्तुति कर ही नाग मुनि देवा। समस्त देवी देवता गंधर्व किन्नर चारण विद्याधर ये सब लोग कंस के कारागार में आए और समस्त देवी देवता ने आकर भगवान कृष्ण को अद्भुत स्तुति। सत्यवर्तम सत्य परम त्रिशत्यम सत्योनीतम चत्ये सत्य मृत्यम सत्यात्म शरण। भगवान गर्भ में और सभी देवी देवता गर्भास्थ स्तुति करते हुए कहते हैं, हे कृष्ण आपका व्रत सत्य है, आपकी वाणी सत्य है, आप तीनों लोकों में सत्य हो, आपका देश सत्य है, हे कृष्ण आपके नेत्र सत्य है, प्रभु आपका सब कुछ सत्य है, इसलिए आप परम सत्य हो। ऐसे अनेकों श्लोकों में अनेकों पदों में समस्त देवी देवतागण भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत स्तुति कर रहे हैं। स्तुति कर रही नाग मुनि देवा, स्तुति कर रही जय कृष्ण अनादि अनंत विभु परमानंद रूप अनूप प्रभु अवलोकिश शोकित प्रणत गण करिवेश विशेष कलेश हन। अस्तुति कर हे नाग मुनि देवा, जय शक्तिमयम जय ज्ञानमयम तपयो विराग सुधानमय कर्माति सुक्रोत क्षमेमय नित्यनाम शुभाभु प्रेममय। अस्तुति करहि नाग मुनि सेवा, स्तुति जय कृष्ण अनादि अनंत विभु परमानंद रूप अनूप प्रभु अवलोकिश शोकित प्रणत जन करिवेश विशेष कलेश हन। अस्तुति करहि नाग मुनि
क्षत्रिय वर धारण धर्म शुजार वंशी धारण जगतार देवकी के कारण नाम विभार असुर विदारण बदवार भव सिंधु तारण जन्य विचार चारों तारण भगवंता चारों तारण भगवंता चारों तारण भगवंता पितृणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय शंभवामि उभे। जिस समय भगवान ने साधुओं की रक्षा करने के लिए दुष्टों का विनाश करने के लिए धर्म की स्थापना करने के लिए इस पृथ्वी पर आने के लिए निश्चय किया, जैसे ही भगवान देवकी के हृदय गर्भ में से निश्चय किए उसी समय संसार का काल समस्त गुणों के साथ विभूषित हो गया। आकाश में ग्रह और नक्षत्र शांत हो गए, दिशाएं स्वच्छ और प्रसन्न हो गई, आकाश में तारे जगमगाने लगे, पृथ्वी के बड़े बड़े नगर गांव बस्तियां हीरों की खानों से मंगलमय हो गई, नदियां जल से निर्मल हो गई, कंस जैसे असुरों के अत्याचार से नदियों का जल सूख गया था, लेकिन आज पता चला कि भगवान कृष्ण प्रकट होने वाले हैं। ये पता चलते ही नदियों में बड़ा सुंदर बहार आने लगा, पंछीगण गंधर्व करने लगे। आज कंस आदि दुष्टों के अत्याचार से वृक्षों ने फल और फूल देना बंद कर दिया था, परंतु भगवान कृष्ण प्रकट होने वाले हैं ये पता चलते ही बहुत सुंदर वृक्षों के ऊपर फल और फूल लग गए। संतों के हृदय में आनंद होने लगा, यशुओं के मन में क्षोभ होने लगा, ब्राह्मणों की अग्नि पूरा प्रज्वलित होने लगी, स्वर्ग में दुमदुमियां बजने लगी, गंधर्व गाने लगे, किन्नर नाचने लगे, सिद्धर और चांद बाजे बजाने लगे। उसी समय बादल गरजने लगे और भक्तों रात के 7 मुहूर्त निकल गए। 8वां मुहूर्त प्रारंभ हुआ, भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग, कृष्ण वृष लग्न बुधवार को ठीक रात को 12 बजे, जैसे अंधेरी रात में पूर्व कला से युक्त चंद्रमा प्रकट होता है, जैसे सिंहनी के गर्भ से सिंह जन्म लेता है, वैसे देवकी के हृदय गर्भ से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। कृष्णचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की। तो इस प्रकार कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। ये मैं बहुत संक्षिप्त में आपको सुनाया, नहीं तो आज कंप्लीट तो नहीं हो सकता, कम से कम 2 घंटा चाहिए। तो इस प्रकार कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। वसुदेव जी कृष्ण को लेकर गोकुल जाने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण कंस के कारागार में प्रकट हुए। त्रेतायुग में जब भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हुए तो सबसे पहला दर्शन माता कौशल्या ने किया था, और जब द्वापर युग में भगवान प्रकट हुए तो सबसे पहले उनका दर्शन वसुदेव जी ने किया। देवकी मूर्छित अवस्था में थी, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो चुके थे, और उसी समय वसुदेव जी की दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण के ऊपर गई और वसुदेव जी ने भगवान को देखा, और उसने भगवान श्री कृष्ण का रूप कैसा था, सुखदेव जी गोस्वामी महाराज वसुदेव जी की आँख से देख कर परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत मूर्ति थे। तम अद्भुतम कम्यम वलिक्षण चतुर्भुज गदादियुधायुधम शिवस्य लक्ष्मण गदसोऽधिकोऽस्तुभम् पीताम्बरं शान्तपयोदशोभगम्। तम अद्भुतम बालकम्, कंस के कारागार में भगवान का जन्म हुआ है। कहते हैं अद्भुतम बालकम्, भगवान बालक के रूप में थे। ऐसा नहीं है कि भगवान बहुत बड़े विशाल विभु रूप में प्रकट हुए, नहीं, बालक का रूप था, एक छोटे से बालक के रूप में भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। लेकिन गोस्वामी जी सावधान कर रहे हैं, भगवान एक बालक के रूप में प्रकट हुए हैं लेकिन संसार के साधारण बालक जैसे नहीं, अद्भुत बालक। ये अद्भुत बालक है, कैसा बालक है? बालक शब्द का अर्थ करते हुए हरीश्वर जी लिखते हैं, बालक शब्द में 2 अर्थ है, बाल और क। तो जैसे कृष्ण का एक नाम है केशव, क मने ब्रह्मा, इश मने शिव, और व का अर्थ है वश में रखने वाला। तो जो ब्रह्मा और शिव को अपने वश में रखते हैं उन्हें केशव कहते हैं। तो अद्भुत बालकम, कंस के कारागार में जो बालक हुआ है उसकी अद्भुतता क्या है? शब्द का सहारा लेकर आचार्य ने कहा, क का अर्थ है
ब्रह्मा और बाल का अर्थ है ये बाल, रोम। ये साधारण बालक नहीं, ये ऐसा बालक है जिसके बाले बाले का मने ब्रह्मा प्रकट है, जिसके प्रत्येक बाल से प्रत्येक रोम को ब्रह्मा प्रकट है। ये ऐसा अद्भुत बालकम है। और इतना ही नहीं, एक छोटा सा विग्रह है लेकिन अद्भुत है, चतुर्भुजम, छोटी छोटी चार भुजाएं हैं, और उस बालक के हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है। छोटा सा रूप है, छोटी सी भुजा है, इसलिए छोटा सा शंख है, गदा भी छोटी सी है, चक्र भी छोटी सी, और छोटा सा पद्म और कमल है। श्री वत्स लक्ष्मण, उस बालक के हृदय में देवी लक्ष्मी जी का चिन्ह है। गलसोभी कौस्तुभम, उस बालक के गले में बहुत सुंदर कौस्तुभ मणि लटक रही थी। पीताम्बरम, उस बालक ने बहुत सुंदर पीताम्बर पीले रंग का वस्त्र धारण किया हुआ है। और उस बालक का रंग कैसा है? शांद्र पय शोभगम जल भर मेघ है कि समान जैसे बादल में पानी भर जाता है और बादल का श्याम वर्ण का हो जाता है, ये बालक का रंग कैसा है? उस बादल के समान। सुखदेव जी गोस्वामी महाराज वसुदेव जी की आंखों से देख रहे हैं उस बालक की सुंदरता। आगे कहते हैं महाअरवेदुर्य क्रीट कुंडलम, बहुत सुंदर क्रीट मन, बहुत सुंदर मुकुट पहना हुआ है और उस मुकुट में बहुत सुंदर हीरे मणि जड़े हुए हैं। कानों में बहुत सुंदर कुंडल है, मकराकृत है कुंडल, मछली के आकार के कुंडल है। त्विश परिशक्त सहस्त्र कुंतलम, और उस बालक के सर पर बहुत सुंदर सहस्त्र सहस्त्र बाल थे, सुंदर सुंदर घुंघराले घुंघराले चिकने चिकने बाल थे। उद्धाम कांची अंगद कंकर आदि भी, उस बालक के कमर पर बहुत सुंदर करधनी थी जिसमें छोटे छोटे कंकनी घुंघरू लगे हुए थे जो आवाज कर रहे थे। इस प्रकार से उस बालक की अद्भुत छवि। विरोचमानम वसुदेव इच्छत, ये बालक प्रकाशित हो रहा था और उस बालक को वसुदेव जी ने देखा। अद्भुत रूप था बालक का, चतुर्भुज पीताम्बर अद्भुत हो रही देखकर तुरंत वासुदेव जी भगवान को स्तुति करने लगे। और भगवान को वासुदेव जी स्तुति कर रहे हैं तब तक देवी देवकी मूर्छित अवस्था से बाहर आई और देवकी भी भगवान की स्तुति कर रही थी। परंतु तुरंत दोनों माता पिता के हृदय में वात्सल्य भाव उदित हुआ और दोनों भयभीत होने लगे, क्योंकि कंस ने इनके 7 पुत्रों को मार चुका था और देवकी वसुदेव के मन में हुआ कितना सुंदर बालक है, कंस इसे भी मार डालेगा। दोनों भयभीत हो गए। उस समय भगवान ने अपने माता पिता को पुनर्जन्म की कथा सुनाई कि हे माता जी, पिताजी डरिए मत, मैं साक्षात भगवान हूं। पूर्व जन्म में आप कश्यप और अदिति थे, आपने बहुत तपस्या की थी और उस तपस्या से मैं आपके सामने प्रकट हो गया हुआ हूं। और उसके पूर्व जन्म में आप मनु और शत्रुपा थे, 10,000 वर्ष तक आपने तपस्या किया, पुत्र के रूप में मुझे मांगा, मैंने कहा तथास्तु। पुनः वापस जाके सोचा तो मुझे पता चला कि इस दुनिया में मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, अतः मुझे आपके पास आना पड़ा। इतना सुनकर भी वात्सल्य भाव से सारोवर सराबोर देवकी और वसुदेव कंस के भय से भयभीत हो रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे माता, हे पिता, श्री यदि वास्तव में आपको कंस से भय लग रहा है तो आप मुझे गोकुल में छोड़ दीजिए। वसुदेव जी ने कहा, गोकुल में कहाँ छोड़? बाबा नंद बोले, वसुदेव जी कृष्ण बोले कि नंद बाबा के घर छोड़ दीजिए। बोले नंद बाबा के घर पर ही क्यों? बोले पिताजी, वहाँ पर नंद बाबा के यहाँ 9,00,000 गाय है, दूध दही माखन की कोई कमी नहीं है, मैं बहुत माखन खाऊंगा, दूध पीऊंगा और बलवान बनूंगा और बड़ा होकर यहाँ पर आऊंगा और कंस को मारकर आपको कारागार से मुक्त करा दूंगा। यदि आपको भय लग रहा है तो आप मुझे गोकुल में छोड़ दीजिए। वसुदेव जी को कृष्ण की बात अच्छी लगी और कृष्ण को हाथ में लिया। वहां पर बहुत सुंदर कोमल दूध के ऊपर जैसे फेन आ जाता है उतना कोमल एक वस्त्र पड़ा था। उस वस्त्र में कृष्ण को उठाया। वसुदेव जी जैसे कृष्ण को उठाकर उस बालक को देखे जाने लगे। भागवत में वर्णन है भक्तों, उस समय कारागार के जितने भी दरवाजे थे खुल गए। वसुदेव जी चलने लगे परंतु देवकी का मन नहीं मान रहा था। इतना सुंदर बालक था, परम ब्रह्म अनंत कोटि के अधिपति साक्षात कृष्ण जिनका पुत्र बनकर आया है, कैसे माना जाएगा? तो जहां साक्षात ब्रह्म ब्रह्म सच्चिदानंद विग्रह देवकी ने भगवान को
छोड़ने का मन नहीं हो रहा है। बार बार देवकी कृष्ण को अपने हाथ में लेती है, अपना स्तनपान पिलाती है, दूध पिलाती है। हृदय के पत्थर लेकर देवकी ने अपने पुत्र को सौंप दिया और वसुदेव जी हाथ में कृष्ण को लेकर चले गए। जैसे ही वसुदेव जी चलने लगे, तुरंत कंस के कारागार के द्वार खुल गए। हरीश्वर जी लिखते हैं, कंस के कारागार के द्वार खुल गए। ये कौन सी बड़ी बात है? जिस कृष्ण का एक बार कोई नाम ले लेता है, उस व्यक्ति के लिए मुक्ति के दरवाजे खुल जाते हैं। अरे साक्षात भगवान जिसके हाथ में है, और साधारण कारागार का दरवाजा खुल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान को हाथ में लिए, सारी बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए, ताले खुल गए, जितने भी थे सब लोग योग निद्रा में सो गए। वसुदेव जी कृष्ण को लेकर उस कारागार से बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले, बादल गरजने लगे। बादल क्यों गरजने लगे? भागवत में वर्णन है, मेघ गरजने लगा। आचार्यों ने बहुत सुंदर प्रेक्षा किया, भक्तों टीकाएं लिखी है कि बोले कृष्ण को लेकर वसुदेव जी जैसे ही बाहर निकले तो बादल क्यों गरजने लगे? कि बादल ने प्रथम दर्शन भगवान का वसुदेव जी के हाथ में किया और देखा कि भगवान के शरीर का रंग हमारे रंग जैसा है। बादल ने सोचा, अब आने वाले बड़े बड़े साधु संत महात्मा और बड़े बड़े कवि भगवान की उपमा हमारे साथ देंगे, भगवान के साथ हमारा नाम जुड़ जाएगा। इसलिए बादल खुशी के मारे पागल हो गए और जोर जोर से उछल उछल कर नाचने लगे, गरजने लगे, और बादल साथ साथ में जल बरसाने लगे। बादलों से जल क्यों बरसने लगा? आचार्यगण लिखते हैं भक्तों कि बादलों ने सोचा, आज भगवान का जन्म हुआ है और इस संसार में जब किसी साधारण बच्चे का जन्म होता है, हैप्पी बर्थडे होता है, तो कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। तो बादलों ने सोचा कि भगवान का जन्म हुआ है और भगवान को कुछ गिफ्ट देना चाहिए, कुछ उपहार, कुछ भेंट देना चाहिए। अब बादलों के पास तो जल ही धन है और कुछ तो नहीं है, इसलिए बादल के पास जो कुछ भी था सर्वस्व भगवान के ऊपर छावर करने लगे। अतः पानी बरसाने लगे और पानी बरसा बरसा कर गरजने लगे और गरजते हुए मानो समुद्र को कहने लगे कि समुद्र तुम्हारे पास इतना धन है, इतना पानी है, परंतु क्या काम का? हमारे शास्त्र में भक्तों कुछ धनी लोगों के धन की मांग समुद्र के जल के साथ दी गई है। जैसे समुद्र में अगाध मात्रा में जल है लेकिन एक लोटा भी आप पी नहीं सकते, वैसे कुछ लोगों के पास विपुल संपत्ति है लेकिन एक भी पैसा भगवान की सेवा में नहीं। वो पैसा कोई काम का नहीं जो भगवान की सेवा में ना हो। उन धनियों का धन समुद्र के जल के समान कोई काम नहीं। ये बादल जल बरसा बरसा कर समुद्र को कह रहे हैं कि तुम कितने दुर्भाग्यशाली हो, आज भगवान का प्राकट्य है और आज तुम कुछ भगवान को नहीं दे पा रहे हो, गिफ्ट कोई उपहार नहीं दे रहे हो। अरे तुमसे तो अच्छे हम लोग हैं, हम आपके कारीगर हैं, क्योंकि बादल तो समुद्र से ही जल लेते हैं, वो तो समुद्र से ही लेता है, हम आपसे ही जल लेते हैं, आपसे ही जितना जल कमाते हैं वो सारा जल आज हम कृष्ण के ऊपर बरसा रहे हैं। कितना सुंदर भाव है भक्तों आचार्यों का। वसुदेव जी कृष्ण को लेकर जा रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, और पानी बरसने का एक कारण यह भी था कि बादल ने सोचा भगवान की यह अद्भुत लीला है और इस लीला में भगवान को सहायता करनी चाहिए। यदि कोई अपने घर से निकलकर रास्ते में आ गया और वसुदेव और भगवान को देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बादल जो था जोर जोर से पानी बरसाने लगा, क्योंकि बारिश के समय कोई घर से बाहर नहीं निकलता है। तो सब लोग अपने अपने घर में जाके सो गए। वसुदेव जी जा रहे हैं और ऐसा वर्णन है कि उसी समय शेषनाग वहां पर आए और वसुदेव जी के पीछे छाता बनकर चलने लगे। भक्तों शेषनाग और कोई नहीं, साक्षात बलराम है। बलराम जी ने सोचा, लीला की दृष्टि से तो मैं कृष्ण से बड़ा हूं लेकिन तत्व की दृष्टि से मैं कृष्ण से छोटा हूं, और छोटा होने का कर्तव्य है सेवा करना। अतः वह भगवान के ऊपर छत्री बनकर अपने फन का छत्र बनाकर चलने लगे। ये बलदेव जी भक्तों कोई और नहीं, त्रेता युग में जो लक्ष्मण जी थे वही है। त्रेता युग में जब ये छोटे बन के आए थे तो भगवान राम को बहुत सहना पड़ा था और इन्हें सहना पड़ा था, इसीलिए इन्होंने भगवान से कहा था कि प्रभु आप मुझे एक वरदान दीजिए। बोले क्या? तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि इस लीला में मैं छोटा भाई रहा, इस कारण से आपको बहुत सहन करना पड़ा। जब भी राम के ऊपर उंगली उठी
तो लक्ष्मण को बहुत सहन करना पड़ा और राम को बहुत सहन करना पड़ा। इस त्रेता युग में मैं आपका छोटा भाई बनकर आया, लेकिन अब मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि अब आने वाली लीला में मैं आपका बड़ा भाई बनूं। भगवान ने तथास्तु कहा, इसलिए अनंत से इस लक्ष्मण जी इस कृष्ण लीला में बड़े भाई बनकर आए हैं और यह दिखा रहे हैं कि भले ही बड़ा हूं लेकिन तत्व से छोटा हूं, और छोटे का धर्म है बड़े की सेवा करना। आज मेरे प्रभु जा रहे हैं और वर्षा में भीग रहे हैं, तो आखिर मेरा जीवन कब काम आएगा। अतः स्वयं छाता बन गए और उनके पीछे चले गए। और जैसे ही चलते चलते यमुना के तट पर आए, यमुना के निकट पहुंचे, आज यमुना वासुदेव जी के हाथों में कृष्ण को देखकर पागल सी हो गई। यमुना में बाहर आने लगी, जैसे समुद्र में लहरें उठती है, नदियों में लहरें नहीं उठती, लेकिन यमुना में आज लहरें उठने लगी और वो लहर आकाश को छूने लगी। यमुना छलक गई। यमुना में क्यों बाहर आई, यमुना क्यों छलकने लगी, तो कहते हैं यमुना ने सोचा जिस भगवान की प्राप्ति करने के लिए बड़े बड़े योगी योग करते हैं, ध्यान ही ध्यान करते हैं, करोड़ों कर्मों जन्मों के बाद भी ऐसे योगियों को ऐसे ध्यानियों को भगवान के चरण मंत्र का भी ध्यान नहीं कर पाते हैं, और साक्षात भगवान आज चलकर स्वयं मेरी ओर आ रहे हैं, आज तो मैं धन्य हो गई, खुशी से पागल हो गई वो यमुना। परंतु फिर भी वासुदेव जी बड़े आशावादी थे उस यमुना में प्रवेश किए पार करने के लिए। यमुना पागल सी हो गई थी, लहर से उठ रही थी, लेकिन कुछ देर बाद यमुना शांत हो गई और इतनी शांत हो गई कि बिल्कुल दो भागों में बढ़ गई और वसुदेव जी को बिल्कुल हाईवे बना के ले लिया। किसी ने कहा तुरंत शांत क्यों हो गई, हरीश्वर जी लिखते हैं यमुना ने सोचा कि आगे चलकर मुझे कृष्ण के साथ विवाह करना है। यमुना जी जो है कृष्ण की पटरानी है। हमारे भारत में अनेक नदियां हैं भक्तों, लेकिन पर दो नदियां मुख्य है, गंगा और यमुना। गंगा को भगवान अपने चरणों में धारण करते हैं और यमुना को भगवान अपने हृदय में धारण करते हैं। एक के किनारे भगवान ने अपनी लीलाएं की और एक के किनारे सुखदेव जी गोस्वामी ने भगवान की लीला का श्रवण कराया। यमुना जी ने सोचा कि आगे चलकर कृष्ण के साथ विवाह करनी है। और मंगनी के समय जब हमारे ससुर जी आएंगे देह में देखने के लिए, तो मुझे देख के कहेंगे अरे तो पागल यमुना है, इसे मैं अपने बेटे के साथ विवाह कैसे करूँ। अतः यमुना ये सोचकर आज ससुर जी से मिल रही है, अतः अपने सौम्य स्वभाव को दिखा रही है। तो अपने ससुर जी को देखकर यमुना अपने घूंघट खींच ली और पागल यमुना शांत हो गई। वसुदेव जी रास्ता दे दिया, वसुदेव जी यमुना को पार करके गोकुल में पहुंचे। गोकुल में सब लोग योग निद्रा में सब लोग सो रहे थे। नंद यशोदा के यहाँ पहुंच गए वसुदेव जी, जहाँ यशोदा ने दो जुड़ हुए संतान को जन्म दिया था। एक का वर्णन है, लेकिन एक का वर्णन लोग ऐसे नॉर्मली करते हैं, लेकिन वसुदेव यशोदा जी ने दो संतान को जन्म दिया था। इसकी कथा मैं आपको नेक्स्ट सत्र में अगले सत्र में सुनाऊंगा। वसुदेव जी उस पास में गए, वसुदेव जी को कन्या दिखाई दिया और एक पुत्र का भी जन्म हुआ था। एक पुत्र और एक कन्या, दो जुड़वे संतान का जन्म हुआ था। योग माया के कारण वसुदेव जी को शिव कन्या दिखाई दी। वसुदेव जी ने कन्या को ले लिया, अपने वहाँ पुत्र को वहाँ रख दिया, कृष्ण को वहाँ छोड़ दिया, और उस कन्या को लेकर वसुदेव जी पुनः यमुना को पार करके वसुदेव जी के कारागार में आ गए। कारागार में आते ही सारे दरवाजे बंद हो गए और वसुदेव जी के हाथ में बेड़ियां लग गई। आचार्यों ने बहुत सुंदर बात कही, जैसे वसुदेव जी कृष्ण को हाथ में लिए थे, जब तक वसुदेव जी ने कृष्ण को अपने हाथ में रखा था तब तक सारी बेड़ियां खुली हुई थी, सारे कारागार के दरवाजे खुले गए, और जैसे ही कृष्ण को छोड़कर उस कन्या को हाथ में ले लिया, जैसे माया को हाथ में ले लिया, बेड़ी के बंधन में बंध गए और कारागार के दरवाजे बंद हो गए। ठीक उसी प्रकार जब तक हमारी जीवा पर कृष्ण का नाम रहता है, हम संसार के बंधनों से मुक्त रहते हैं, और जैसे ही कृष्ण का नाम छोड़ देते हैं माया के हाथ में हम चले जाते हैं। इसलिए माया को छोड़कर कृष्ण को पकड़ना चाहिए। और कलयुग में कृष्ण कौन है, कृष्ण का नाम ही कृष्ण है। तो वो कन्या आ गई और रोने लगी, उनके रोने की आवाज़ सुनकर सैनिक जाके कंस को बुलाया। कंस आया, कंस ने उस कन्या को लेकर वैसे ही पटकना चाहा, वो कन्या हाथ से निकल गई, आकाश में चली गई। उस कन्या ने कहा मूर्ख कंस, तू मुझे मारने का प्रयास कर रहा है, वो तेरा काल जन्म ले चुका है,
इतना सुनकर कंस भयभीत हो गया और तुरंत अपने मंत्रिमंडल को फोन करके अर्जेंट मीटिंग बुलाई। सब लोग मीटिंग करने लगे, इन्हें मीटिंग करने दीजिए, चलिए हम गोकुल चलते हैं जहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। वहाँ गोकुल में दूसरे दिन नंद बाबा जगे हैं और यशोदा जी ने देखा कि बहुत सुंदर लाला का जन्म हुआ है। सुखदेव जी गोस्वामी दशम अध्याय के पांचवें अध्याय में, दशम स्कंद के पांचवें अध्याय में लिखता है, लिखते हैं, नंद तुवा मज उत्पन्ने जाता आहिर महामना आहुय विप्र वेद ज्ञान शांत सोचि अलंकृत नंद तुवा मज उत्पन्ने जात आहद महामना आहुय विप्र वेद ज्ञान शांत सोचि अलंकृत। नंद बाबा ने देखा कि घर में बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ है और अद्भुत बालक भगवान ने नंद बाबा के घर में प्रकट हुए हैं। तो नंद बाबा ने क्या किया, नंद बाबा तुरंत प्रसन्न हुए और अपने लाला को जन्म के बाद स्नान किया, तिलक लगाए, वस्त्र पहने और समस्त ब्राह्मणों को बुलाया। आओ ये विवरण, कैसे ब्राह्मणों को, तो ये तंबाकू खाने वाले और बीड़ी पीने वाले ब्राह्मणों को नहीं, कैसे ब्राह्मणों को बुलाया, आओ ये विप्राण वेद ज्ञान, वेद में जो प्रांगत थे पारंगत थे ऐसे ब्राह्मणों को बुलाया। शुद्ध ब्राह्मणों को नंद बाबा ने बुलाया, सरस्वती वाचन कराया। उस समय नंद बाबा ने 60,000 गाय का दान किया, तीन का पर्वत बनाकर दान किया। नंद बाबा के घर बहुत दिनों पर पुत्र का जन्म हुआ है, यह बात ब्रजवासियों को पता चलते ही समस्त ब्रजवासी बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र अलंकार आदि धारण करके अपने हाथों में उपहार लेकर नंद बाबा के घर में आया और सब लोग नंद बाबा ने सबका स्वागत किया, सबको भोजन कराया और भोजन के बाद पुत्र का जन्म हुआ है सारे ब्रजवासी घर खेलने लगे। किससे खेलने लगे, सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं, नंद तुवा मज उत्पन्ने जात आहिद महामना आहुय विप्र वेद ज्ञान शांत शुचि अलंकृत नंद तुवा मज उत्पन्ने जात आहिद महामना आहुय विप्र वेद ज्ञान शांत शोचि अलंकृत। सब लोग खेलने लगे और कैसे खेलने लगे, तो दूध से खेलने लगे, माखन के लौंदे से खेलने लगे, दही पड़ा था माखन पड़ा था, माखन के लौंदे को एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे, दही को उड़ेलने लगे, एक दूसरे को पकड़ पकड़ कर दूध के पात्र में डालते थे, अद्भुत, एक दूसरे के ऊपर माखन उछालने लगे। किसी ने कहा, धन्य है नंद बाबा कि दूध दही और माखन से खेल रहे हैं। अरे आज वर्तमान में दूध दही और माखन की बात तो दूर रही, देवराज इंद्र को छाछ भी नसीब नहीं है। अद्भुत, एक दूसरे के ऊपर माखन उड़ेल रहे हैं, दही उड़ेल रहे हैं, दूध उड़ेल रहे हैं, सब कीचड़ कीचड़ हो गया और सबके मन में मात्र एक ही ध्वनि, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इस प्रकार से बहुत सुंदर भगवान का दिव्य लीला का किया गया, बहुत सुंदर उत्सव मचा। दामोदर मास चल रहा, आइए समय तो हो चुका है, 5 मिनट हम दामोदर अष्टकम का पाठ करेंगे, फिर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए हम आज की कथा पर समाप्त करेंगे। नमामेश्वरं सच्चिदानंद रूपं लसत कुंडलं गोकुले व्रजमानं, नमामेश्वरं सच्चिदानंद रूपं लसत कुंडलं गोकुले व्रजमानं, यशोदा भियो लुख लाघव मानं, यशोदा भियो लुख लाघव मानं, परामृष्टम अत्यंत तो द्रुति गोप्या, परामृष्टम अत्यंत तो द्रुति गोप्या, रुदंत मुहुर नेत्र युग्म मृजंतम
करा भोज युग में नशातंक नेत्रं मुह स्वास कंप त्रिरेखांक कंठ मुह स्वास कंप त्रिरेखांक कंठ इसिते ग्रेवदामो दरं भक्तिवत्यं इसिते ग्रेवदामो दरं भक्तिवत्यं इति दिक्स्वलीलाभि आनंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयशिति ज्ञायेषु भक्तिर्धितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शताभिति वन्दे वरं देवं मोक्षं न मोक्षवदिं वा वरं देवं मोक्षं न मोक्षवदिं वा न च निवृणेह वरे सदपि हा न च निवृणेह वरे सदपि हा इदं देवपुरनाथ गोपाल बालम् इदं देवपुरनाथ गोपाल बालम् न च निवृणेह वरे सदपि हा न च निवृणेह वरे सदपि हा इदं देवपुरनाथ गोपाल बालम् इदं देवपुरनाथ गोपाल बालम् सदा विमनश्याम अविरासं कि मन्ये सदा विमनश्याम अविरासं कि मन्ये इदं ते मुखां भोज अत्यंत नीले प्रीतं कुलले स्निग्धरक्तशगोपिया मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्य अविरासामलक्षलाभे मनस्य अविरासामलक्षलाभे नमो देवो दामोदरानत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाधिमग्ना कृपा दृष्टि दृष्ट्याति दिनं वदानु कृपा दृष्टि दृष्ट्याति दिनं वदानु गृहे दश मामज्ञमेदपि दृश्य गृहे दश मामज्ञमेदपि दृश्य कुबेरात्मजो बद्ध मुक्तय वेता त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयच्छ तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मिस्ति दामोदरः न मोक्षे ग्रहो मिस्ति दामोदरः नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वसधाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नटलीलाय देवाय तुभ्यं नमो नटलीलाय देवाय तुभ्यं नमो नटलीलाय देवाय तुभ्यं राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा